अंग्रेजों को चारों खाने चित कर भारत ने फाइनल में धमाकेदार एंट्री कर ली। 2 साल पुराना अंग्रेजों से हिसाब किताब चुकता करते हुए सिर्फ 103 रनों पर अंग्रेजों को ढेर कर दिया। भारतीय फिरकी गेंदबाजों ने अंग्रेजी बल्लेबाजों को ऐसा नाच नचाया कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर गेंद कहां पड़ रही है। जबरदस्त अंदाज में भारत ने इंग्लैंड को हराते हुए 2 साल पुराने उन जख्मों पर मरहम लगा लिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में धमाल मचाते हुए फाइनल में एंट्री कर ली। भारतीय टीम ने अंग्रेजों को यह मुकाबला 68 रन से हराया। पिछले T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में ये वही इंग्लैंड थी जिसने भारतीय टीम को 10 विकेट से हराकर बाहर किया था, लेकिन इस बार रोहित ब्रिगेड बदला लेने के लिए ही उतरी थी। और बारिश से बाधित मैच में जिस तरह की गेंदबाजी और बल्लेबाजी भारतीय सूरमाओं ने किया, उसने अंग्रेजों को घुटनों पर आने को मजबूर कर दिया। रोहित शर्मा ने जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली जिसमें 39 गेंदों में 57 रन की आपसी पारी खेलकर बड़ा स्कोर खड़ा करने में रोहित शर्मा ने मदद की। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 36 गेंदों में 47 रन की धुआंधार पारी खेली। लेकिन इस मैच के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कुलदीप और अक्षर पटेल। इसके साथ ही बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने 3 विकेट, कुलदीप ने 3 विकेट, बुमराह ने 2 विकेट और बाकी 2 विकेट रन आउट, यानी पूरी तरह से अंग्रेजों को ध्वस्त कर दिया। अक्षर पटेल ने बेहद खतरनाक दिख रहे जॉस बटलर को निपटाया, उसके बाद बुमराह ने सॉल्ट को निपटाया और उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए। फिर कोई भी अंग्रेज बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी ही नहीं कर सका। जिस शानदार अंदाज में अक्षर पटेल ने आज गेंदबाजी की है, वो वाकई में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन था। जबरदस्त अंदाज में जब भारत को जरूरत थी विकेटों की, तब अक्षर पटेल ने भारत को वो विकेट दिलाए और अक्षर पटेल के बाद कुलदीप यादव आए और उसके बाद उन्होंने भी ताबड़तोड़ विकेट हासिल किए और भारत को एक शानदार प्रचंड जीत दिलवाकर फाइनल में प्रवेश करवा दिया। अब फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा। इंग्लैंड को इसका सपनों में भी इल्म नहीं रहा होगा कि इतनी शर्मनाक हार उसे मिलेगी। आज इंग्लैंड का न तो गेंदबाजी चली और ना ही बल्लेबाजी। दोनों तरफ से इंग्लैंड पूरी तरह फेल रही। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय फील्डरों ने भी शानदार फील्डिंग की और 2 गजब के रन आउट किए।